अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं स्वात के सियाहती मुकाम म्यादम में मौजूद हूँ। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से पहली दफ़ा यहाँ पर कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं और तकरीबात भी जारी है, जिसमें मौसीकी, शायरी और दीगर रंगारंग तकरीबात जारी है। तो आज मैंने आपको दिखाना है ये फेस्टिवल, मेरे साथ रहे। बॉक्सिंग के ग्रुप फोटो है और इसमें कितने खिलाड़ी है, कितने किन किन इलाकों से शिरकत कर रही है, सब आपको मैंने बताना है। म्यादम स्वात का एक सियाहती मुकाम है और यहाँ पर पहली दफ़ा ज़िले इंतज़ामिया के जानिब से कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। हमारे साथ मलक्कन रीजन के ऑफिसर मौजूद है, स्पोर्ट्स ऑफिसर, इनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे म्यादम में कल्चर फेस्टिवल और बॉक्सिंग के मुकाबले, दिगर चीज़ें क्या मैं देख रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन स्वात एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मुल्क भर से यहाँ पर सयाह आते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं और म्यादम वैली जो है ये हसीन नज़ारों से अब भरी हुई आपको नज़र आएगी। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने यहाँ पर फैसला किया कि यहाँ पर एक कल्चर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराया जाए, क्योंकि आपको पता है कि स्वात के लोग अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं और आबाओ अजदाद ने इनके लिए जो चीज़ें छोड़ी हुई हैं उस पर आज भी वो उसी तरह अमल पैरा है। इसके लिए हमने यहाँ पर कल्चर और स्पोर्ट्स का फेस्टिवल का इनेकाद बाकायदा किया। आज बाकायदा इसका इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर फजाहेला मेहरान साहब ने किया और बाकी मतलब है कि यहाँ पर जो इवेंट हो रहे हैं उसमें बॉक्सिंग का इवेंट आपके सामने है। पूरे स्वास्थ्य से यहाँ पर लड़के आए हुए हैं मुख्तलिफ क्लब्स के और वो अपनी कारकर्दगी के जौहर यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके साथ आज हम यहाँ पर कोई 60 के करीब किताबों की इनोग्रेशन कर रहे हैं जो कि स्वात के अब मुकामी शायरों ने और अदीबों ने लिखी हुई है। और इसके अलावा आपको 3 दिन यहाँ पर ना सिर्फ स्पोर्ट्स में साइकिलिंग,
मैराथन, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, हाइकिंग के मुकाबले मिलेंगे। इसके साथ आपको यहाँ पर मुख्तलिफ सकाफती स्टेज परफार्मेंस भी आपको मिलेंगे। इसके साथ हमने यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके लिए प्ले किड्स एरिया, जो छोटे बच्चे हों उससे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। सर क्या कहेंगे, सयाहों को क्या दावत देना चाहेंगे? इस तमाम सहूलियात मौजूद है यहाँ पर, होटल सिस्टम सारा ठीक ठाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पहले तो मीडिया का बहुत शुक्रिया कि इस इवेंट को कवरेज दे रहे हैं। इस इवेंट को एक्चुअली ये ऑर्गेनाइज करने के पीछे जो मकासद है वो एक तो ये है कि यहाँ के लोकल जो कल्चर है उसको हम प्रमोट करें, जो टूरिज़म है यहाँ का लोकल इस एरिया को हम प्रमोट करें ताकि टूरिस्ट आए दोबारा, यहाँ पे एक रिवाइवल हो टूरिज़म का। सेकंडली हम उनको बताएं कि यहाँ स्वात में अमन है और स्वात के रोड्स और लोगों के दिल आपके लिए खुले हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि म्यादम एक सियाहती मुकाम है और ये सबसे पुराना सियाहती मुकाम है, बड़ी तादाद में यहाँ पर मुल्क और गैर मुल्की सयाह माजी में आ चुके हैं और अभी भी आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि मलका अलजबत भी यहाँ पर आई है और इस जिस होटल में हम ठहरे हैं यहाँ पर उन्होंने रात भी गुजारी है। तो ये काफ़ी बेहतरीन प्लेस है सियाहत के लिए और इस तरह ये जो फेस्टिवल जारी है ये भी सयाहों के लिए और मुकामी जो खिलाड़ी है या जो कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं इनके लिए बेहतरीन मौका है, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, हमारे साथ गोल्ड मेडलिस्ट, जो गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है वो हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है और ये बताएं कि आपने कहाँ कहाँ पर खेला है? सर अस्सलाम वालेकुम जी, सर मेरा नाम एहसानुल्लाह है, मेरा ताल्लुक सवात से। अच्छा। मैंने केपी के लेवल में खेला है बॉक्सिंग और इसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर भी खेलता हूँ। अच्छा। 2014 से मैं ये बॉक्सिंग खेल रहा हूँ। अच्छा। और हर साल हम जाते हैं, पेशावर जाते हैं, कभी लाहौर जाते हैं, डिफरेंट गेम में हिस्सा लेते हैं। किस कैटेगरी में था और ये बताए कि मुश्किल था आसान था? ये सर ये तो 63 कैटेगरी में था। बॉक्सिंग तो वैसे और खेलों के नस्बत में ये तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम ट्रेनिंग करते हैं और इसमें अपने स्किल को इम्प्रूव करते हैं। जब स्किल इम्प्रूव हो जाता है तो फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इस गेम में हमारा यू नो दिल भी लगता है और जुनून भी इसके साथ है, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर ट्रेनिंग प्रॉपर किए जाए तो ये मुश्किल नहीं है। जब नए बच्चे आते हैं तो उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। अगर इसमें पंच का बर्दाश्त करना और इस सब को बर्दाश्त करना हो जाए ना तो फिर आसान हो जाता है। आपको बुरा नहीं लगता कि किसी को चेहरे पर मारते हो और आपके चेहरे पे भी पंच पड़ते हैं? नहीं, गेम है, गेम है तो हर बुरा नहीं इस तरह। अच्छा, नहीं गेम में और जंग में सब कुछ जायज है। अच्छा بیاخو پخپل بجامی د ټول ټبر سری وی او هر جولای کې اچوی چې د بارود تخم هر جولای کې اچوی چې د بارود تخم گل گل بدن بزه پزه د پیخور سری وی د محبت د مارغه جال لکزی نواورا। स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल में रंगारंग तकरीबात के हवाले से यहाँ हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आई और आपको कैसा लगा ये फेस्टिवल और ये इलाका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम लाइबा सईद है और मैं यही इसी इलाके से हूँ और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से आई हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा इवेंट्स हुए, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बहुत अच्छा सब कुछ बहुत अच्छा था। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा मंजर दिखाऊँ, मौसम बहार की आमद आमद, पलदार दरख्त में फूल जो है ना वो खिल उठे हैं, बर्फ़ भी मौजूद है, मौसम इंतहाई शानदार है और इस मौसम के साथ साथ यहाँ पर रंगारंग तकरीबात भी स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल की जारी है। अगर आपने आना है तो ये म्यादम मिंगवरा शहर से 55 किलोमीटर के फासिले पर सतह समंदर से 7,500 फिट की बुलंदी पर वाक़ है और तमाम ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है।